हेलो फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल। आज करेंगे एग्जांपल नंबर 10.2। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में एक कॉनकेव मिरर है और उस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर। जब भी कॉनकेव मिरर होगा उसमें हम हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव कंसीडर करेंगे और जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है दैट इज 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कि कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर अवे ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए कॉनकेव मिरर और इस कॉनकेव मिरर की ये है प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट एफ इज रिप्रेजेंटिंग द फोकस एंड इट इज द पोल, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर को कट करेगा, क्रॉस करेगा, उस पॉइंट को हमने पोल कहा। अब पोल से फोकस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं और ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, बिकॉज आपने जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर कंसीडर किया और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है दैट इज 4 सेंटीमीटर। सो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर है और आपने यहाँ पर प्लेस किया तो इससे रेज की जो डायरेक्शन होगी इंसिडेंट रेज की वो ये होगी, दैट इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जब आप पोल से फोकस पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, जिस वजह से आप इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे। पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपका होगा यहाँ पर माइनस यू, और यू कैन से यू इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर। नाउ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। सो इस न्यूमेरिकल में हमें इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ द इमेज और उसका नेचर फाइंड करना है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज मिरर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? सो यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। और इस न्यूमेरिकल में हम कैलकुलेट करना चाहते हैं v। सो लेट अस सेपरेट द वेरिएबल्स। 1/v इज इक्वल टू 1/f - 1/u। नाउ 1/v इज इक्वल टू 1/f एंड फोकल लेंथ इज -1/15, बिकॉज फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है। नाउ माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u इज -25 सेंटीमीटर। सो 1/v इज इक्वल टू -1/15 एंड माइनस माइनस इज प्लस, सो 1/25। नाउ लेट अस फाइंड द एलसीएम ऑफ राइट हैंड साइड। 15 और 25 का जब आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 75। नाउ 15 5 = 75, सो इट इज -5। 25 3 = 75, सो इट विल बी 3। नाउ -5 + 3 इज -2, सो इट इज -2/75, सो वी कैन से वी इज इक्वल टू -75/2। यही होगा। अब 75 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे यू विल ऑब्टेन वी एज -2 3 = 6, 2 7 = 14, 2 5 = 10। -37.5 सेंटीमीटर इज द इमेज डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस, -37.5 सेंटीमीटर। बट कहानी यहां खत्म नहीं हुई, अभी हमें नेचर एंड साइज ऑफ इमेज भी फाइंड करना है। सो लेट अस फाइंड द साइज ऑफ इमेज फर्स्ट। सो साइज ऑफ इमेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन? एम इज इक्वल टू
माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ये जो h डिनोमिनेटर में है, ये जब दूसरे साइड जाएगा तो उसकी वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ पुट द वैल्यूज हियर. h डैश इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू हमने कैलकुलेट की माइनस 37.5, और u हमें न्यूमेरिकल में गिवन है माइनस 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाइट इज 4. ओके, नाउ रिमूव दिस डेसिमल एंड हेयर विल बी 10. क्लियर? नाउ लेट अस सॉल्व इट. 5 5s are 25, 5 7s are 35, एंड 5 5s are 25. नाउ 5 into 15 is 75. सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बी प्लस, और एक माइनस और यहां पर है. सो इट विल बी माइनस 15 into 4 divided by 10. सो हाइट ऑफ द इमेज विल बी 60 by 10. सो वी कैन से द हाइट ऑफ द इमेज विल बी 6 सेंटीमीटर, बट इट विल बी नेगेटिव. सो हाइट ऑफ द इमेज इज माइनस 6 सेंटीमीटर. नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स दैट इट इज ए इन्वर्टेड इमेज. इट इज ए इन्वर्टेड इमेज. एंड 6 का मतलब क्या है? अब आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज को कंपेयर करिए. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिए 4 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ इमेज हमने फाइंड की 6 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब हुआ कि आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो एनलार्ज होगी. सो इट मीन्स द इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, और आप बोल सकते हैं मैग्नीफाइड. ओके, कितने टाइम्स मैग्नीफाई हुई है तो उसके लिए आप 6 को 4 से डिवाइड करके फाइंड कर सकते हैं. आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन राइट अस इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन शेयर दिस लिंक ऑफ द सॉल्यूशन विद योर क्लासमेट्स और फ्रेंड्स ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. फिजिक्स लव चैनल पर बने रहें. जय हिंद, जय भारत. #फिजिक्स लव.